उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। आपको कोई काम है? मैं कोमल का कजन हूँ। उस दिन घर आप ही आई थी ना? कायनात का मैसेज जी, कोई उसका पीछा करते हुए उसके ऑफिस तक जा पहुंच। तुम जानती हो इसके बारे में? दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। कांदी, तुमने झूठ क्यों बोला है? नहीं बोलना चाहिए था। असला उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं बात किसी को न बताऊं। बहुत अकेली है वो, मजलूम। हादी, तुम्हें क्या वाकई उससे हमदर्दी हो रही है? बचाना चाहता हूँ उसको मैं। नहीं हादी, मैं तुम्हें इस बात से नहीं खेलने दे सकती। आप तो हक की जंग लड़ती। हादी, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये हमारा मामला नहीं है। वो चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो चुका है, क्लोज। नहीं असल, ऐसा नहीं होता। कुछ चैप्टर्स कभी खत्म नहीं होते असल। जब किसी को रोंदा जाता है ना, तो रोने वाला तो खत्म हो जाता है, लेकिन उस पर पड़े हुए पैरों के निशान कभी नहीं जाते। पर इन बेरहम पैरों के निशानों का हिसाब वहां पर हो, खुदा की बार का, जिसके लिए सब बराबर है, कायनात भी और कोमल भी, जिसके लिए सबके दुख सांझे हैं। अरसल, मेरी और कोमल की एक इक्वेशन बन रही थी। हमारा रिश्ता आसमानों पे तय था, लेकिन मेरी कम हिम्मती की वजह से सारा चला हो गया। और कायनात तो बीच में कहीं थी भी नहीं, अचानक से आ गई वो। अहमद आया ना? अहमद आया और हम सब का इम्तहान बन के आए। हम सब के जमीर का इम्तहान अर्सला। मुझे सैम ने पर्चा हल किए बगैर ही आगे भेज दिया। खुद दुनियादारी में लग गए हम लोग और कायनात को अकेला छोड़। खुद तो बच गए और उसे आग में झोंक दिया। कम से कम मुझे तो लड़ते रहना चाहिए था, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सका। जितने सफे थे सभी मुड़ के रखे। तुम अब क्या करोगे हाथी? मैंने महके हुए सफहात से धोखा खाया। हाँ बेटा कोमल, कैसी हो मेरी जा? क्या बात है कोमल, रो क्यों रही हो? अब्बू से बात हो सकती है? हाँ हाँ, वो यही है मेरे पास। लो करो। कोमल बेटा, क्या हो गया? टोंगी बहुत याद आ रही है वो। अब भी मुझसे नाराज है। क्या करती है वो? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अपने बच्चे से भी कोई नाराज होता है? आखिर सब कैसे? अरसला, आप भी सुना, उन्होंने नई गाड़ी ले ली है, बहुत तरक्की कर रही है। तुमको किससे बताया? छे हाथी ने। हाथी पूछता रहता है मुझे। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? बेटा तुम ये बताओ कि अहमद तुम्हें पूछता है कि नहीं? शहर बदलने से घर नहीं बदल जाते, दिल बदल लेने से घर बन जाते हैं क्या?
गलत अब भी नहीं बनते। अहमद तुम्हारा ख्याल तो करता है ना? अहमद तो करते हैं, मुझे ही पूरा नहीं पड़ता। हूँ सच बात बोलूं, हमको रिश्ता तो जुड़ गया है, दिल नहीं जुड़ता। ये टूटा ही रहता है। आपको याद आती है मेरी उस घर में? बेटा अपने घर पे तवज्जो दो, कुछ रोज में तुम आदी हो जाओगी। जिस जिंदगी को तुमने चुना है उसको तुम एंजॉय करो, यही जरूरी है तुम्हारे लिए। सब जरूरत तो सब कुछ नहीं होती ना। जब तुम जा रही थी ना तो तुम अपने पर कटवा कर गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा था। तेरे भेजे हुए खत सारे संभाले मैंने, फूल अब तक न किताबों से निकाले मैंने, जितने सफेद थे सभी मोड़ के रखे थे यूं ही, मैंने महके हुए सफहात से धोखा खाया। अरे सुनो तो, तुम अभी तो आए हो। मैं तुम्हें और नहीं आना चाहिए था अहमद, अम्मा को बात बिल्कुल पसंद नहीं। तो अपनी अम्मा को समझा दो जाके कि तुम्हारे बगैर ना अब मेरा दिल नहीं लगता, तो मैं आता जाता रहूँगा। मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं, और अगर ऐसा ही है तो अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं कहते कि कायदे से आके शादी करवा दें हमारे। तुम्हें क्या अच्छा लगेगा मैं खाली जेब तुम्हें शादी करके ले जाऊँ यहाँ से? भरोसा नहीं तुम्हें मुझ पर? तुम सिडनी छोड़ोगे? हाँ, और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, मैं सोच चुका हूँ कि हम यहाँ इस कचरे में नहीं रहेंगे, हम लंदन जाएंगे। पता है वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या लाइफ होती है उनकी, और तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ना मुझसे पहले जॉब मिल जाएगा, दोनों वहाँ जॉब करेंगे, ऐश करेंगे। पता है मैं तो आजकल सोता भी इसलिए हूँ कि आप देख सकूँ हमारी लंदन की जिंदगी के। कायनात, बेटा अल्लाह जब किसी को इंसाफ दिलाना चाहता है ना तो अपनों में से ही किसी को मदद के लिए भेज देता है। तुम्हें अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे है। और हादी, हादी के तो नाम का मतलब भी हिदायत देने वाला है बेटा। जिद मत कर, मान लो मेरी बात, यहां हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमें पूछता भी नहीं है। कम से कम कराची हमारा अपना शहर तो है ना। अकेले तो वहां भी होंगे माँ। वो हादी ने कहा है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लेगा। अच्छा, तो आप हादी से बातें भी करती हैं? नहीं बेटा, वो बहुत मुखलिस है, उस पर शक मत करो। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही अम्मा? हम उससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रख सकते। तुम्हारा ना तो बाप है और ना भाई। अहमद से तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है। हादी पे मुझे पूरा भरोसा है बेटा, वो बहुत अच्छा इंसान है। पता नहीं, मेरा दिल कहता है कि जो कुछ भी होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। तुम मान जाओ बेटा।
हर बात मुझसे छुपाई गई। सुना क्या कह रहा है ये? तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई है? हो जाता है नुकसान, बिजनेस में नुकसान हो जाता है, उसे भी हो गया। अंकल मुझे मेरे जानने वालों ने बताया कि वो कोई काम नहीं कर रहा, ऊपर से उसका जो पार्टनर था वो भी भाग गया। अब दुबई में रहना बगैर किसी काम की कोई आसान काम है? अगर उसका दुबई में ओवरस्टे हो गया, इतना बड़ा जुर्माना लगेगा, अंदाजा है आप लोगों को? यहाँ पे होता तो कोई ना कोई उसकी मदद तो कर देता। उसकी माँ सब जानती है, उसके बाप से पूछता हूँ कि ये सब क्या मजाक है। रहने दे, क्यों खामखा बात बढ़ा रहे? बात तो बढ़ेगी, जो जो बताया गया था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी दिन के लिए कह रहा था लेकिन तुम लोगों ने एक भी नहीं सुनी, अपनी जिद पर अड़े रहे। मैं उसके बाप से बात करता हूँ। जी मैं कोमल का फादर बोल रहा हूँ। आपका बेटा अभी भी काम कर रहा है या कर्ज लेकर खा रहा है? देखिए आपने जो भी बात करनी है ना अहमद से कीजिए। अहमद ने सब्ज बाग देखे थे और उन बागों में आपकी बेटी को भी बहुत सैर कराई उसने और वो एंजॉय करती रही। ये नतीजा तो निकलना था ना। ये सब आप लोगों की गलत बयानी का नतीजा है। देखिए मौसूफ इसके अंदर आप सबकी लालची तबीयत का भी हाथ है, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। अंकल रहने दें, इनसे बहस का कोई फायदा नहीं है, दरअसल गलती हमारी भी है। कैसा था इंटरव्यू आपका? अच्छा। ग्रेट। आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। बॉस बता रही थी कि आपको इस पोजीशन के लिए कंसीडर किया जा रहा था पर आपने मुझे रेकमेंड किया। क्यों किया आपने? ऑब्वियसली ये सब कुछ आपकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए किया गया, इसमें मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन एज सच नहीं है। और अगर आपकी वालदा कराची आने का ना कहती हैं तो शायद ये आइडिया मेरे जहन में आता भी ना। थैंक यू। नो वरीज। वैसे आपने मेरी बात मान के काफ़ी बड़ा रिस्क लिया। एनीवे ऑल द बेस्ट। लेकिन आप यकीन जानिए आपने जो कुछ भी किया है अपने लिए किया है, मेरा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। अहमद ग्रोसरी के पैसे दे दिए थे? जो दे देंगे यार ग्रोसरी के पैसे। मेरा पार्टनर भाग गया तो कोई नया ढूंढ लो। यहाँ तो यही होता है ना, जो पार्टी करता है सोशलाइज करता है उसको तो बहुत से बिजनेस पार्टनर्स मिल जाते हैं। तुम ताना मार रही हो मुझे। जैसे एक बात समझ लो तुम, मैं ऐसा ही हूँ और आगे फ्यूचर में कोई बदलने का इरादा भी नहीं है मेरा। तो ज़्यादा ताने नहीं मारो, एडजस्ट करो और ये खामों का एटीट्यूड भी मत दिया करो मुझे। तुम मुझे ना सिक्योरिटी दो ना घर दो और मैं तुम्हें एटीट्यूड भी ना दूँ। सुनो सब सब ठीक हो सकता है, बल्कि इनफैक्ट बहुत अच्छा हो सकता है अगर तुम मदद करो मेरी, साथ दो मेरा। मुझे लोन चाहिए होगा 80 लाख पाकिस्तानी। यार ये जगह जन्नत है, फैमिली वीज़ा मिल जाएगा, सब यहीं इमिग्रेट कर जाएंगे। क्या कुछ जहन में है, किसी को जानती हो जो मदद कर सके? नहीं मैं किसी को नहीं जानती। हीरा को तो जानती हो। अहमद मैं पैसे नहीं मांग सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है मैं भी अब से वही करूंगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता।
अहमद अभी तक नहीं आए, और मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। अभी मुझे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। आप प्लीज उस रकम का इंतजाम कर दें, हम जल्द से जल्द वापस कर देंगे। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। देखो तुम परेशान मत हो, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी, लेकिन प्लीज तुम पैसे वापस दे देना, तुम्हारे भाई वैसे भी पैसे नहीं देते। आप ही प्लीज आप कोशिश जरूर कीजिएगा, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। अच्छा ना, तुम रो तो नहीं? मैं जिंदा हूँ ना, अभी कुछ नहीं होगा। हमने वाकई ये फैसला बहुत जल्दी में कर लिया। क्या हो गया है अम्मी? मैंने कोमल को कभी इतना बेबस नहीं देखा। क्यों देख रही हो इस तरह से मुझे घूर के? मैं कुछ नहीं देख रही हूँ मामा, मैं सिर्फ परेशान हूँ, सोच रही हूँ। ऐसे नहीं सोचते, मैं देख रही हूँ जब भी कोई ऐसी वैसी खबर आती है कोमल को लेके, तुम सब मुझे ऐसी नजरों से देखते हो जैसे मैं कोई चोर हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अब्बा तक तो ठीक था, लेकिन अब तुम्हारी चुपती हुई नजरें, एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखना गुनाह है क्या? मैंने सारी जिंदगी तंग गलियों में गुजारी, अगर तुम्हारे और कोमल के लिए अच्छा सोच लिया तो उसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे कि हर कोई भाग रहा है यहां से। अपने लिए तो कुछ नहीं किया मैंने, हर माँ चाहती है कि उसकी बच्चियों की जिंदगी अच्छी हो। मैंने भी जो कुछ किया तुम्हारे और कोमल के लिए किया है। मम्मा आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है, मुझे तो सिर्फ कोमल की फिक्र हो रही है। बहुत कम उम्र है, वो अभी भी निभा ही रही है, आगे भी निभा देगी। लेकिन सब मुझे जो इल्जाम दे रहे, आपने हमारे लिए जो भी सोचा अच्छे के लिए सोचा, लेकिन किस्मत भी तो कोई चीज होती है ना। लेकिन कोमल की शादी की नाकामी तो मेरी नाकामी है, मैं ऐसा क्या करूं कि वो खुश रहे? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं कि मैं उसे दे सकूं। इनको पता चला ना तो इन्होंने तो तलाक करा देनी है। आप फिक्र मत करें अम्मी, मेरी बहन को मेरी मदद की जरूरत है और उसकी मदद मैं ही करूंगी। अगर कुछ नया हुआ भी होगा तो तुम्हें क्यों बताऊंगा मैं कोमल? ये भी ठीक है, चाचा से बात कर लिया करो। काफी फिक्र रहती है उन्हें तुम्हारी। सिर्फ उन्हीं को रहती है। चलता हूँ। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। हेलो। हेलो अम्मा, अभी तक घर का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, जब तक नहीं होता है तो प्लीज खाले आके आ ही रहे आप। और ये आप हादी से इतना ऑब्सेस क्यों हो गए हैं? सो कॉल करना खत्म करें। जब मेरी तरफ से उसे बहुत दुआ कहना, मैंने किया था उसे फोन लेकिन उसने उठाया नहीं। अब आप हादी का नाम नहीं लेंगे? चलो अल्लाह के हवाले, मेरी तरफ से उसे दुआ कह देना। लव। आपने लड़का पसंद भी कर लिया और हमसे बात भी नहीं की। मैंने पसंद किया है, बाकी घर वालों ने नहीं। सापी, टू लव हिम, इतनी जल्दी? यही तो यही बात है, मत को समझ नहीं आती कि मोहब्बत और शादी तो अलग अलग चीजें होती हैं। नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। रातें नींदों के बगैर, नींदे ख्वाबों के बगैर,
चाहती है। तुम सुधर जाओ। यार मेरी चीजें कहाँ रख देती हैं? मिलती ही नहीं है। बात कर रही हूँ मैं हादी। असला मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ है मेरी घड़ी वो सिल्वर वाली? ड्रॉर में है, देख लो। दिखाए जरा इस भूत की शक्ल। किससे कर रही हैं आप फोन पे बात? काफी अरसा हो गया देखा नहीं, बहुत कमजोर हो गया है। ठीक हो? कि तुम बहुत बदले बदले लग रहे हो, कुछ नया हुआ है क्या? अगर कुछ नया हुआ भी होगा तो तुम्हें क्यों बताऊंगा मैं कोमल? ये भी ठीक है। चाचा से बात कर लिया? काफी फिक्र रहती है उन्हें तुम्हारी। सिर्फ उन्हें को रहती है। चलता हूँ। बहुत बिजी है ये, घर भी बहुत लेट आता है आजकल। तो अजीब लग रहा है, इस लग रहा है कुछ छुपा रहा है मुझसे। इन सब बातों का क्या फायदा है? तुम जहाँ हो ना बस वहीं पे एंजॉय करो। जी जी। आपको पता है यहाँ इतने ज्यादा मॉल्स हैं, मैं तो घूम घूम के पागल हो गई हूँ। इसी बहाने तुमने झूठ बोलना तो सीख लिया। तेरे भेज हुए खत सारे। आपको याद है मैं आपके कमरे में छुप जाया करती थी, हमें वो पूरा दिन मुझे ढूंढते रहते थे। बहुत याद आते हैं मुझे वो दिन। जितने सफेद थे सभी मुड़ के रखे थे यूं ही। आप थक गए होंगे, चलकर थोड़ी देर आराम कर लें, सो जाएं। नहीं मैं ठीक, थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। आपको भी नमाज पढ़नी चाहिए अहमद। अल्लाह ताला कहते हैं कोई है जो मुझे पुकारे और मैं उसकी पुकार का जवाब दूँ। क्या बात है, लोगों को आयतें याद होती हैं, तुम्हें उनका तर्जुमा भी याद? याद है इसलिए तो दिल में जरा सा भी मैल आता है तो बर्दाश्त नहीं होता, बेचैनी सी होती है। मैंने अम्मा से कहा है, वो वजीफा कर रही है। दुआ और तौबा खुद करनी पड़ती है अहमद, अगर खुद ना की जाए तो दरवाजे बंद ही रहते हैं। तुम कुछ कहना चाह रही हो क्या? आपको कायनात से माफी मांगनी चाहिए। मुझे? तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम खुद मांग लो। ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है मैं मांग लूंगी। मुझे लगता है कि उसकी माफी के बगैर मेरे सस्ते भी अधूरे हैं। तुम देख रही हो ना मैं अपना काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब कर रही हो तुम मुझे। अहमद जरा सोच, उसने आपको अपना सब कुछ दे दिया, बदले में आपने क्या किया? एक ही झटके में उसका सब कुछ छीन लिया। क्यों खामखा में दिमाग खराब कर रहे हो यार? ये कोई वक्त है ये सारी बातें करने का? और मैंने कॉल की थी उसको, उसने शायद नंबर बदल लिया है। आप आ जाएगा? Thank you.
हेलो। हेलो जी आदि, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? आदि, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए तो मुझे आपके घर आकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे बहुत मोहतात रहना पड़ेगा क्योंकि अहमद से जो मेरा रिश्ता है वो आपका शौहर है। मैं जानता हूँ आप एक्सपेक्ट कर रही हैं और बच्चे की पैदाइश तक डिवोर्स नहीं हो सकती है। हेलो कायनात, ये सब इसको कैसे पता चला? कहीं अम्मा नहीं, अम्मा नहीं हो सकती। कायनात, आपको क्या हो जाता है? आप एकदम से अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देती हैं, वाय? उसने मुझे धोखा देकर छोड़ दिया हादी, और अगर मैं अपने आप को संभाल ही भी हूं तो वो सिर्फ इस बच्चे की खातिर। ये बच्चा मेरा है और मैं किसी भी हालत में इसको खो नहीं सकती। आपको किसने बताया ये सब? बताइए। आपने? दरअसल मैंने आपकी और आपकी अम्मा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन ली थी। मुझे नहीं सुनना चाहिए था और उससे मुझे अंदाजा हुआ था कि आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए कायनात, अगर आपकी जगह कोमल या अरसला होते तो मैं उनको इस तरह कभी भी अकेला ना छोड़। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं कायनात। इसलिए मैं आपसे कोई फेवर नहीं लेना चाहती। ये मेरी गलती है कि मुझे लगा कि मेरे दुश्मन का दोस्त मेरा दोस्त हो सकता है। मैं आपकी कजिन की दोस्त तो नहीं हूँ जो आप मेरे लिए। यहाँ कोई मुकाबला तो नहीं हो रहा कायनात। माय गॉड आदि, यहाँ तो जंग हो रही है, कभी भी हो सकती है, और मैं अहमद से रिलेटेड किसी भी शख्स को माफ नहीं कर सकती। नहीं, उस शख्स की वजह से मैंने अपने बाप का घर बेच दिया। जैसा भी था, छोटा सा था, मगर अपना था, एक सहारा था, मेरे सर पे छत। उस दिन से मेरा भाई लापता है। मोहल्ले वालों ने जितनी बातें मेरे भाई को सुनाई है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद उसको मुझ पे रहम नहीं आया, और आप में से भी किसी को नहीं आया। मुझे आपकी सरपरस्ती की जरूरत नहीं है। एंड यू थिंक आफ्टर ऑल दिस मैं आपको ट्रस्ट कर सकती हूँ? देखिए कायनात, जो कुछ भी हुआ सबको एक बुरा वक्त समझ के भूल जाए। बहुत सारे लोगों के लिए बुरा वक्त आकर गुजर नहीं जाता, ठहर जाता है, बदबू आने लगती है, मगर मैंने तो धूप में जिंदगी गुजारी है हादी। जब किसी ने मेरा आसरा नहीं किया तो फिर मैं क्यों करूं? मुझे तो नफरत हो गई है अहमद से। उस मासूम का घर बिकवा दिया, इतने बदनाम हुए कि उसका भाई भी लापता हो गया। गरीब लोग हैं वो, उनका तो कोई आसरा भी नहीं है। अच्छा तो तुम क्या उनका आसरा बनोगे? ये बन चुके हैं, तुम जानते हो ना
अहमद ने उसकी माँ को पिटवाया था। अगर उसे ज़रा से भी भीनत पड़ गई ना हादी कि तुम उसकी साबका बीवी को नौकरी दिलवाने जा रहे हो तो सोचो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। सही कहा था उस लड़की ने, यह जंग है और यह जंग कभी भी छिड़ सकती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम इस जंग का हिस्सा बनो। अगर उसे ये पता चल गया कि तुम्हारा कोई अहमद से ताल्लुक है तो फिर सोचो क्या करेगा वो तुम्हारे साथ। ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी लड़की है और यकीनन उसने जो कहा है वो सच। वो कोमल की दुश्मन है। तो उसका भी तो एक ही भाई था ना असल में। ये कोई जंगल नहीं है जहाँ पर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाए। ये इंसानों की दुनिया है, यहाँ पर ताकतवर वही है जो किसी कमजोर की मदद करे। ठीक है, मैं उसे इंसाफ नहीं दिला सका, लेकिन मैं कम अज कम उसे एक घर तो दिला सकता हूँ ना, जहाँ पर वो महफूज हो और जहाँ पर उसकी माँ बैठ के अपने खोए हुए बेटे का इंतजार करे। हादी, तुम जानते हो उसका अंजाम क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। वो दुश्मनी में आके तुम पर कोई भी इल्जाम लगा सकती है, और तुम ये जानते हुए भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए हो। फिर भी कायनात कायनात, रात को मेरा बेटा मेरे ख्वाब में आया था, जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था, और जैसे ही मैं चटखनी खोलने के लिए उठी तो मेरी आँख खुल गई। कायनात, हम अपने ठिकाने पर कब जाएंगे? सब मेरी वजह से हो, अहमद की बातों में आकर अब्बा का घर बेच दिया, बदनामी मोल लिया आपसे, आपका बेटा दूर कर, मरते दम तक अपने आप को माफ नहीं कर सकती। बस मेरा बेटा वापस आ जाए और तुम अच्छी रहो, मैं यही चाहती हूँ। मुझसे गलती हो गई, आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया, उसके कहने पर अपने भाई को नाराज कर दिया। बस वापस आ जाए तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। तुम अच्छी रहो, माँ के लिए बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं होता बेटा। मुझे लगता है मेरा बेटा वापस आ जाएगा, और तुम्हें पता है हादी भी यही कह रहा था कि वो वापस आ जाएगा। आप क्यों हादी को इन्वॉल्व करती हैं? वो हमारा कोई नहीं है, बस करो उससे बात करना। अब तो वैसे भी हमारा कोई नहीं रहा, इस अहमद ने तो हमें अपने रिश्तेदारों में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मुझे अच्छी जॉब मिल गई है ना, बस अब जब सबको पता चल जाएगा कि तलाक हो गई है तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी, लोग हमारे पास वापस आएंगे। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया, ऐ मोहब्बत। ऐ मोहब्बत तुझे सीने से लगाया था कभी, क्या सितम है के, क्या सितम है के, क्या सितम है के तेरे हाथ से धोखा खाया, क्या सितम है के तेरे हाथ से धोखा खाया।